एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल डबल हैशटैग। कैसे हो आप लोग? तो ये जो व्यू देख रहे हो, देख सकते हो, सनराइज हो गया, सूरज निकल गया है और कितना अच्छा लग रहा है। धूप लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मैंने धूप देखा है। जी हाँ, इतना खिला खिला धूप, इतना अच्छा मौसम बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मिली है। सही खास माँ कहती हैं कि जब भी बर्तन हो तो उसको दबा करना चाहिए ताकि बर्तन पे चमक कर जाए। एक सकते हो मैं दबा दबा के कर रही हूँ। बनाई हूँ बेसन का सब्जी और ये जो सब्जी है वो मेरा परफेक्ट बन गया है, देख सकते हो। और मैं गलती करती थी क्या कि मैं इसमें डाल देती थी खाने वाला सोडा नहीं डालना चाहिए और आज मैं नहीं डाली हूँ। और मेरा जो बेसन की सब्जी है देखो कितना अच्छा बना है। इधर नानू कौन चाबी लेगा? तुक 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 जा कौन क्या गिरा दिया? गिरा दिया गिरा दिया गिरा दिया चोट लगेगा। ओए होए, आज पहली बार कुंज कहाँ जाएगा? मार्केट करने जाएगा, घूमी घूमी जाएगा। हाँ घूमी घूमी जाएगा, काजल लगा लिया है। देखिए कुंज अपना पैर रंगवा रहा है, दादी पैर रंग रही है। कैसे भाग रहा है छोटा छोटा पैर, कुंज का पैर रंगा रहा है। कुंज दूध पी रहा है, पैर रंगवा रहा है। अरे पुतनी सब काम पैर अच्छा से रंगाया, एक रंगा गया है अब दूसरा रंगाएगा। वाह हरे कुंज, अब दोनों पैर दिखा दो। पैर रंगा गया। जो मुझे मम्मी दी है तो आज मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ आप लोग के सामने कि क्या है इसमें, देख लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ क्या आखिर है क्या। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें बैंगल होगा। सुहाग का सामान तो मम्मी मुझे बहुत देती हैं, तो देख सकते हो इसमें भी सुहाग चूड़ी है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा बाला है मम्मी दी है मुझे, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और ये जो है सिंदूर है, ये है बिंदी का, ये है बिंदी और ये है नेल पॉलिश जो कि मुझे मम्मी गिफ्ट दी है, मैरिज डे का गिफ्ट है। तो टोटल मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी मुझे कैसे दी है। और मेरा बेटा, और देख सकते हो ये सारा चीज़ मम्मी मुझे गिफ्ट की। थोड़ा गर्म हुआ है तो मम्मा बेटा और दादी, जी हाँ तीन जने जाएंगे हम लोग शॉपिंग करने। तो कुंज भी रेडी हो गया, रेड रेड जैकेट कुंज का है, मम्मा का भी रेड रेड है, दादी जी का रेड रेड नहीं है। कुंज ए कुंज, कुंज उठ, देख क्या क्या शॉपिंग करेगा। हेलो
यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी और हम, मैं जो मार्केट गई हूँ तो पहले गई हूँ सुनार की दुकान पे, तो यहाँ पे हम लोग की मार्केटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर और जाएंगे मंडी में सब्जी खरीदने के लिए, तो बने रहे ब्लॉग में। सही से लगाइए, ये वाला बैठ कर के, ये वाला वही भेज, ये फोटो लो तो लिख कीजिए, आई लो भेज दो, ये कर लो। ये कभी कभी हो जाता है, पैसा अच्छा है तब आदमी के। और यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ गई हूँ इयररिंग पसंद करने के लिए, तो बहुत सारी वैरायटी में इयररिंग्स था, बहुत खूबसूरत भी इयररिंग देख सकते हो। और ये है आंटी जो कि ऑनर है इस शॉप की, बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हो। वैलेंटाइन डे का गिफ्ट भी बहुत ही प्यारा प्यारा गिफ्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा था और रिजनेबल प्राइस में सामान मिल जाता है, तो हम लोग अक्सर यहीं से लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मम्मी सब्जी ले रही हैं और हरा हरा मटर, बंदा गोभी, टमाटर आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा था। 20 रुपये किलो मटर था। और यहाँ पे देख सकते, ये देखो बथुआ साग, और देखो धनिया पत्ता है, बैगन है, हरा हरा सब्जी आप लोग को। यहाँ पे हम लोग बैगन लेने आ गए थे तो मम्मी बैगन ले रही है, देख सकते। मैं कुंज को लेके नहीं गई थी क्योंकि कुंज को लेके जाती तो शॉपिंग नहीं हो पाती, और उसके बाद कुछ शॉपिंग हुई है मेरी और कुछ नहीं हुई। और कुंज जब रोने लगा तो कुंज के चाचा कॉल किए और मुझसे रहा नहीं गया, और आज समझ में आ गया कि माँ कैसी होती है। मैं कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं, सिर्फ बच्चा मेरा रो रहा है, मैं भागी भागी आई। और अभी देखो कुंज को मैं सुलाई हूँ, दूध पिलाई हूँ, उसके बाद मुझे कुछ टाइम मिला तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से बात कर लूं। मार्केट से आने के बाद मैं लग गई शाम के खाने में। जी हाँ, अंडा करी बना था, तो अंडा करी मैं देख सकते हो बना रही हूँ, अंडा को अभी फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद मैं अंडा बनाऊंगी। और आप लोगों को कैसा लगता है हमारा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अंडा फ्राई हो गया है तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देख सकती हूँ मैं ग्रेवी लगा दी हूँ और मेरा जो एग है वो बन के रेडी हो जाएगा। करी पहले खोल जाएगा फिर उसमें अंडा में डाल दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एग जो है वो करी बन चुका है, उसमें एग मैं डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एग। तो आप लोग बताना कि कैसा लगता है।